बाबा जी लव मैरिज करें अरेंज मैरिज करें, बहुत लोग कहते हैं कि हमें अरेंज मैरिज में भरोसा नहीं, हम लव मैरिज करेंगे क्योंकि उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है या टिकेगा। अरेंज मैरिज कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं करेंगे, तो क्या सही है? लोगों के कन्फ्यूजन कैसे दूर करें, सही क्या क्या होता है? देखिए, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए व्यक्ति के पास, जिसके पास कुंडली है, अपना डेट ऑफ बर्थ है, वो तो आसानी से कर सकता है। कुंडली में जो विवाह होता है ना, वो सप्तम भाव करवाता है, और लव मैरिज करने के लिए पांचवें भाव का उसके साथ संबंध होना चाहिए। तो जिसके कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव का एक साथ अगर शुभ स्थान में, मतलब लग्न त्रिकोण में केंद्र में बैठा हुआ हो, तो वो अगर लव मैरिज करता है तो उसका 100% अच्छे से लव मैरिज चलेगा। अगर पंचम भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठ गया, पाप ग्रहों के साथ बैठ गया, तो वो प्रेम में धोखा खाएगा, प्रेम विवाह करके भी उसका जो है अलगाव हो जाता है। तो ये लोगों को देखिए, प्रेम विवाह भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है, और पारिवारिक विवाह भी गड़बड़ नहीं, जो चल जाए वो अच्छा है। तो जो अच्छा है, पहले ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। तो जिसकी कुंडली में अगर सप्तम भाव बहुत अच्छा है, पंचम भाव गड़बड़ है, उसको तो परिवार के हिसाब से शादी कर लेना चाहिए। अगर पंचम भाव सप्तम भाव का अगर राशि परिवर्तन हो और साथ में एक दूसरे को देखते हो और शुभ अवस्था में है, तो वो लव मैरिज आंख मूंद के कर सकता है, बहुत अच्छे से चल जाएगा। नहीं, कितना भी लंबा गहरा प्यार है, देखिए होता क्या है कि पहले तो आकर्षण होता है, प्रेम वगैरह तो जो है नहीं, एक दूसरे से जब अपेक्षा टकराता है तो विवाद होता है। तो पहले तो बहुत लोग 4 साल प्रेम में रहे, बाद में शादी हुआ, 1 साल बाद टूट जाता है, न घर वाले सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और इधर तो रिश्ता बिगड़ा ही। तो ऐसे समय में किसके लिए अरेंज मैरिज है, किसके लिए लव मैरिज है, उसकी वो कुंडली निर्धारित कर देती है। तो जिसका 7वां भाव 5वें भाव से कनेक्ट ना हो और 5वां भाव खराब भाव में हो, वो लव मैरिज बिल्कुल ना करें। और जिनका दोनों अच्छे से संबंध बना रहे हैं, 5वें 7वें भाव का युति हो, शुभ अवस्था में हो, तो वो आराम से लव मैरिज करें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है।